क्या आप भी ट्राई सिटी में विला, फ्लैट, प्लॉट, शॉप, शोरूम या कोई अन्य प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं? तो जरा रुकिए, क्योंकि अब आपको जगह जगह भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी अपडेट टीवी चैनल आपके लिए लेकर आए हैं रियल एस्टेट फेयर, जहां एक ही छत के नीचे होंगे 150 से ज्यादा रियल एस्टेट ब्रांड्स, ऑन द स्पॉट बुकिंग, स्पेशल ऑफर्स, डिस्काउंट्स और भी बहुत कुछ। तो फिर मिस ना करें ये तीन गोल्डन डेज जो आपको पहुंचाएंगे आपकी ड्रीम प्रॉपर्टी तक। 23 दिसंबर से 25 दिसंबर तक लगने वाले इस फेयर में पहुंचे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। वेन्यू है मेला ग्राउंड, सेक्टर 34, चंडीगढ़। नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स, प्रॉपर्टी मॉल। और कम बजट की कोठियां ढूंढते ढूंढते बहुत सारी गलियां छाननी पड़ती हैं, तो जाके हमें सस्ते बजट की कोठी मिलती है। तो एक लाइन में काफ़ी कोठियां बन रही हैं जो 100 गज में बन रही हैं और दो बेडरूम हॉल ड्राइंग किचन नीचे है और एक बेडरूम और वॉशरूम और एक किचन की स्लैब डाल के ऊपर है और 4590 इसका प्राइस है, मैं स्टार्टिंग में बता रहा हूँ। तो आइए आपको कोठी के बारे में थोड़ा और बताते हैं। बाहर से सीढ़ी है और गेट स्टील का लगा हुआ है और गेट के पीछे जो है यहाँ छोटा सा हमारा एक एरिया रहेगा जिसमें हम अपने प्लांट्स वगैरह लगा सकते हैं। और बाहर से सीढ़ी है, यहाँ पे पोर्च रहेगा, फिलहाल थोड़ा सा काम चल रहा है, यहाँ पे छोटी गाड़ी आपकी पार्क हो गई और ये गेट है। अब जुगाट काफ़ी चौड़ी है, ऊपर फॉल सीलिंग का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे विंडो है जो बाहर का व्यू देगी आपको। और यहाँ पे ये ब्लैक की टाइल्स दिखा दी गई हैं और इसके सामने यहाँ पे किचन बनाई है जो मॉडलर किचन होगी। गेट, गेट के साथ इस तरह विंडो, ऊपर फॉल सीलिंग और ये सामने किचन आ गई। तो किचन के अंदर भी काम चल रहा है, मॉडलर किचन है, यहाँ पे ग्रेनाइट लगा दिया गया है, टाइल्स लगा दी गई हैं और जो यहाँ पे सॉफ्ट क्लोजर है वो दिए गए हैं। और ये ड्रॉज हैं नॉर्मल जो चलते हैं, यहाँ पे सिंक दे रखे हैं, नीचे स्पेस दे रखी है। तो ये सब कुछ, यहाँ से बाहर का व्यू भी आ रहा है और यहाँ पे भी स्टोरेज दे रखी है। ये हर चीज़ आपके लिए जितना चाहिए होता है किचन में उतना लगाने की कोशिश की। अब ये दो रूम हैं और एक रूम के अंदर हम देखेंगे तो ऊपर फॉल सीलिंग का काम, जैसे यहाँ पे ठेकेदार को काम देते हैं, वो कंप्लीट कर दिया है। और यहाँ पे अभी कबर्ड्स बनेंगी, उसका सामान आ रखा है। और यहाँ पे आपका वॉशरूम की टाइल छत तक लगा दी गई है और फिटिंग सिर्फ इसके बाद फिट करनी है। तो ये पीछे वॉशिंग एरिया है, इसके वेंटिलेशन दी है दोनों वॉशरूम की यहाँ पे बाहर और ऊपर ओपन रखा गया है। तो नॉर्मल जो ट्रेंड चलता है उसी तरीके के यहाँ पे दरवाजे हैं। और अभी सेकंड रूम भी दिखा देते हैं। तो ये सेकंड रूम है, इसमें भी फॉल सीलिंग का काम कंप्लीट हो चुका है, पीओपी का एक कोट लगा दिया गया है और वॉशरूम जो है इसमें डिफरेंट कलर की टाइल्स हैं लेकिन छत तक है, इसमें भी ऊपर पीओपी का डिज़ाइन रहेगा और यहाँ पे फिटिंग रहेगी। और इधर से बाहर वॉशिंग के लिए जाने का रास्ता नहीं है और इस कमरे में यहाँ पे पीछे कवर्ड आ जाएगी। हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर और फर्स्ट फ्लोर का दिखाते हैं। जैसे गेट से सामने यहाँ पे बाहर स्टील की रेलिंग और सीढ़ियों पे ग्रेनाइट लगा दिया गया है, सीढ़ियों में ऊपर डिज़ाइन पीओपी का दे दिया गया है। और जैसे सीढ़ियों नीचे से ऊपर आएंगे तो यहाँ पे दरवाज़ा दिया गया है बाहर बालकोनी के लिए और यहाँ पे टफन ग्लास लगा दिया गया है। और यहाँ पे जो डिज़ाइन है ये टाइल स्पेशल इस तरीके की डिज़ाइन की गई है जो रफ एंड टफ होती है वो वाली। तो यहाँ व्यू आपको यहाँ से प्रॉपर मिलेगा, ऊपर एलईडी लाइट लगेंगी और ये काफ़ी खूबसूरत बनेगा।
सीढ़ियों से ऊपर आए, बाहर बालकनी के लिए रास्ता दिया और इस तरफ ये जो हमारा ड्राइंग रूम नीचे था उसके ऊपर एक रूम बना दिया गया है जिसमें फॉल सीलिंग का काम चल रहा है और नीचे टाइल लगा दी गई हैं और टाइल ऑलमोस्ट तैयार है। तो ये एक बड़ा रूम है जो फर्स्ट फ्लोर पे बनाया गया है। तो सीढ़ियों से जो ये बीच का एरिया है यहाँ पे इस स्पेस को कवर किया, जो नीचे किचन थी उसके ऊपर ही यहाँ पे प्रोविज़न दे दी है किचन की पॉइंट की। और यहाँ वेंटिलेशन है, यहाँ पे स्लैब डलेगी और ये किचन और प्लस रूम फर्स्ट फ्लोर के लिए है। और किचन से बाहर निकल के एक रूम ये और है फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जिसका अटैच वॉशरूम है। जो नीचे रूम था ये वाला ऊपर जारी चल रही है और इस रूम का यहाँ अटैच वॉशरूम है। यहाँ टाइल लगा दी गई है, जब तक फॉल सीलिंग भी होगी यहाँ पे और यहाँ इसकी विंडो भी है बाहर के लिए। तो ये एक और रूम हो गया। तो ये दो रूम और बाहर वेड़ा और ये पीछे ऊपर चढ़ने के लिए यहाँ पे सीढ़ियाँ दी है। तो अभी आपने देखा ये 100 गज में बना था और दो बेडरूम दो वॉशरूम किचन नीचे थी और एक हॉल था। और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हमने देखा दो कमरे बने हुए हैं, एक के साथ अटैच वॉशरूम है, एक बड़ा हॉल है और एक किचन की प्रोविजन भी देगी है। तो ये कुल मिला के 4 बेडरूम है, 3 वॉशरूम है, एक वॉशरूम एक्स्ट्रा हम और बना सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लेकिन ऊपर वाले पोर्शन के लिए भी एक बड़ा हॉल, एक अटैच वॉशरूम वाला और एक किचन ऊपर भी दिए। तो 45,90,000 इसका प्राइस है। प्राइस इतनी कवर्ड एरिया को ध्यान में रखा जाए तो बहुत जेन्युइन प्राइस है। बिल्कुल पीछे हमारे यहाँ पूरा ये ओल्ड सिटी है, इस तरफ हमारे लांडरन रोड है जो मेन रोड चल रही है और पीछे हमारे गिलको है। तो ये जो मेन लांडरन रोड है उससे 500-600 मीटर अंदर ही आपको ये लोकेशन मिल जाएगी, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। और प्राइस वाइज अगर हम बात करें तो 45,90 में 4 बेडरूम और 100 गज में बना हुआ घर अभी फ़िलहाल मार्केट में कोई और अवेलेबल नहीं है इस इलाके में, ये लोएस्ट रेट है। और जो लोग सस्ते बजट में ज़्यादा स्पेस ढूंढ रहे थे, ज़्यादा कवर्ड एरिया ढूंढ रहे थे, तो उनके लिए ये एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, इसमें 5-6 कोठियाँ यहाँ पे बन रही हैं तो ऑप्शन यहाँ पे फ़िलहाल रहेगी। तो हो सकता है कि ये आपके काम की वीडियो हो। अगर आपको और ऑप्शन ट्राई करनी हो, आपको लगे कि और भी कुछ देखना है तो हमारी वेबसाइट है propertyupdates.co.in, उसके ऊपर जाओगे तो वहाँ बजट की ऑप्शन आएगी। जो आपका बजट है, मान लीजिए आपका बजट 40-50 है तो उसी बजट में आपको 50-60 ऑप्शन मिल जाएंगे जिनकी वीडियोज़ होंगी। तो उससे आपसी सर्च जो है आप जो कर रहे हैं वो ईजी हो जाएगी। उम्मीद करते हैं हमने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी ये आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।